सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL के दम तोड़ती सेवाओं के चलते उसके उपभोक्ता लंबे समय से खासे परेशान हैं। हाथों में यूजलेस हो चुके मोबाइल फोनों को दिखाते लोगों का आरोप है कि अपनी समस्याओं की शिकायत करें भी तो आखिर किससे करें। दूर संचार केंद्र के बाहर आक्रोश जताते अमित तिवारी, उपेंद्र सोलंकी, मोती सरदार की माने तो उनकी समस्याएं सुनने के लिए यहां कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है। करीब 20 दिन से बंद कार्यालय के गेट पर ताला जड़ा हुआ है, जिसके चलते उपभोक्ता अपना बिल भी जमा नहीं कर पा रहे हैं। आक्रोशित लोगों ने घाटे में चल रही भारत संचार निगम लिमिटेड के अंदर भ्रष्टाचार पनपने के आरोप लगाए। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कंपनी के अधिकारियों पर कंपनी को गर्त में ले जाने के आरोप लगाए। आक्रोशित लोगों ने काफी देर तक कार्यालय के बाहर हंगामा कर सरकार से BSNL की सेवाओं का संज्ञान लेने के मामले में लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने की मांग की। वहीं इस बारे में स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया तो उनके फोन भी बंद आ रहे थे। आप लोग यहां आए हैं क्या समस्या क्या जी बात? हम लोग BSNL के वो हैं, कस्टमर हैं, और हमारे सिग्नल्स कभी नहीं मिलते। 3G है, 3G का 2G भी नहीं मिल रहा है। कल से सुबह से कोई सिग्नल नहीं आ रहे। अगर मान लो किसी का इमरजेंसी हो, कुछ हो, कोई फोन नहीं कर सकता इंसान किसी को। यहाँ मिले आप किसी से? अरे यहाँ पे पूरा ताला बंद है, देखिए आप आपके सामने देखिए, यहाँ से अंदर से ताला लगाए हुआ है, वहाँ से भी अंदर से ताला लगाए हुआ है। कोई नहीं है यहाँ? कोई नहीं है यहाँ पे, जबकि वर्किंग डे। तो ये समस्या कब से है आप? ये समस्या देखिए, समस्या तो इनकी बहुत दिनों से है कि सिग्नल कट जाते हैं, आ जाते हैं, कट जाते हैं, आ जाते हैं। दिन में कम से कम जैसे 20-25 बार तो होता है, कम से कम। तो आप आज आए भी आए हैं या शिकायत करने पहले भी आते रहे हैं? अरे पहले तो आप पहले आए थे, लेकिन ये 20 दिन से बंद है ये गेट। 20 दिन से बंद है, यहाँ कोई आता ही नहीं। उनको सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट को, हमारे हमारे जेबों से जा रही है सैलरी उनको। हमारे हम लोग मूर्ख हैं टैक्स देने वाले। हम टैक्स भी दें और सरकार काम भी ना करे, उनको मुफ्त में तनख्वाह दे, 7वीं पे कमीशन, 9वीं पे कमीशन, उनको हर साल उनका भत्ता भी बढ़ाए। तो हम क्या उल्लू हैं यहाँ पे, बताइए। इस स्थिति में आप क्या विकल्प सोच रहे हैं या क्या चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसका संज्ञान ले और तुरंत जो भ्रष्टाचार का अगर जो कीड़ा अगर पनप रहा है इस BSNL में, उसको जड़ से खत्म किया जाए। जी क्या नाम है आपका? उपेंद्र सिंह सोलंकी हूँ सर। क्या समस्या है यहाँ पर? ये हमारा BSNL के दो फोन है, वो कल सुबह से बराबर बंद है, और पीछे भी अब हर बार कभी सिग्नल आते हैं कभी नहीं आते, और कल से डेड पड़े हैं। और यहाँ हम कस्टमर केयर के लिए आए थे, ये ऑफिस ही बंद है। पता लगा पूछने पर 15-20 दिन से बंद है, कोई सुनता नहीं है। अब एक तरफ तो सरकार कहती है BSNL का कनेक्शन रखो, और एक तरफ हमें कोई सुविधा ही नहीं है, हमारी कंप्लेंट नहीं सुन जा रही है। इसलिए प्राइवेट कंपनी वाले हो रहे हैं, उनके सबको ले रहे हैं, वो कह रहे हमारा एक सिम ले लो। कुछ समस्या बताई जा रही है टेक्निकल कुछ रूप से? कोई नहीं बताई जा रही है, कोई है ही नहीं ऑफिस में। किससे पूछे? कस्टमर केयर ले आए थे, उनका फोन कस्टमर केयर उनका क्या कस्टमर केयर का फोन लगता नहीं है, इसलिए फिजिकली धूप में आए तो अभी ऑफिस बंद है। पता किया 15-20 दिन से ऑफिस बंद है, आज वर्किंग डे है। क्या चाहेंगे आप? क्या हम चाहेंगे? हमारे पास टेलीफोन शुरू हो आज का, और नहीं तो इनके खिलाफ क्या एक्शन हो, इनके GM को पूछा जाए। एक SIT का गठन जी, क्या चाहेंगे आप? हम ये चाहते हैं हमारे टेलीफोन शुरू हो तुरंत, और ये हमारी जो सुनवाई नहीं हो रही है उसकी जिम्मेवारी तय हो, और इनका जो जनरल मैनेजर है उसको तलब किया जावे कि अभी बंद है उनका ऑफिस, कैसे बंद हुआ ऑफिस टाइम में, कैसे बंद है, और हजारों BSNL के फोन कब बंद है यहाँ पे? ये सारे फोन लेके आया हूँ मैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोती सरदार। ये सारे फोन लेके आया हूँ, कोई फोन काम नहीं कर रहा है। ये इनसे पूछने आया था कि ये सारे जब फोन बंद है तो कस्टमर BSNL के फोन सारे ऐसी इमरजेंसी में आदमी कहाँ फोन करेगा बताइए। मान लो किसी को इमरजेंसी हो, क्या हो, कहीं जाना हो, कहाँ से फोन करेगा? फोन ही बंद रहेंगे तो कहाँ। और हमारे ये जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लंबी लंबी भाषण देते हैं,
मन की बात करते ये करते, ये क्या मन की बात है? जनता परेशान है, जनता परेशान है, परेशान है, धूम में ये उनके सुनवाई ना, ये उनके जानवे ला जाए जाए लाए जावे दूरसंचार मंत्री के कि तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। एकदम तो कहते हो कि हम संवेदनशील सरकार है और फिर क्या संवेदन है जब लोग तकलीफ आ रहे हैं उनके फोन नहीं लग रहे हैं। अगर अगर ये सरकार भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं दी तो ये आनी नहीं चाहिए सरकार। भ्रष्टाचार मेन है मुद्दा। इनसे पूछने आते हैं तो ताला बंद मिलता है, ताला बंद में किससे पूछे बताइए। यही भ्रष्टाचार है सर कि BSNL की सर्विस मत दो ताकि एयरटेल और दूसरे टाटा और जियो वो पनपते हैं। अरे कुछ लोग पैसे खा रहे होंगे महाराज, सैलरी के अलावा उन लोग इन लोग खिला रहे होंगे तार काटने के। एक बार बताइए प्राइवेट वालों के तार क्यों नहीं कटते? इन्हीं के बच्चे काम करते हैं, केवल इन्हीं के तार क्यों कटते हैं? और PWD और ये इनके बीच में कभी तालमेल नहीं होता है। सुनिए एक मिनट अंकल, जो रोड बनाने वाले हैं वो तालमेल नहीं करते इनसे। तो जब लाइन जब लाइन बिछती रहे तो रोड वाले नहीं उनसे मिलते, फिर जब रोड वो होता है तो लाइन काट देते। ये सब मिली भगत है। वो आप क्या कहते हैं? आपका मनीष दीक्षित। कहाँ से आए हैं आप? मैं महेश्वरी सेवाधन से आया हूँ। किस लिए आए थे आप? मैं बिल जमा करने आया था सर। कितने रुपए का बिल है आपका? सर हमारा 2000 का है। फिर क्या हुआ, जमा हुआ? आज चार दिन से मैं बराबर दौड़ रहा हूँ, यहाँ ताला लगा मिलता है। बिल जमा नहीं हो पा रहा है? बिल जमा नहीं हो पा रहा है सर, कोई कर्मचारी नहीं मिल रहा हमको। आज भी कोई नहीं मिला? आज भी कोई नहीं मिला सर। गवर्नमेंट के क्या चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि लोग मिले हम जब भी आए फिक्स टाइम पे हमको सुविधा उपलब्ध मिलेगी।